So hey yo guys, welcome back to another video. This is the Minecraft series and this is the episode number 3. Welcome back to another video. तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि गाइज अपने मतलब कि काफ़ी कोशिश की अपना जो है विलेज ढूंढने की, बट हमें विलेज नहीं मिला। देखते हैं कि आज हम अपना जो है विलेज कहीं पर हमें विलेज जो है हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता। ठीक है, जल्दी से हम स्पॉन होते हैं अपने इस वर्ल्ड में जिसका हमने नाम रखा है हेवन। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो शुरू होने से पहले। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज़ जाके माइनक्राफ्ट का जो एपिसोड नंबर वन है वहां से स्टार्ट कर देना। राइट, तो अभी हम इस खूबसूरत लैंड में हम जो लोग हैं, लोग तो नहीं है, मैं अकेला ही हूं। अच्छा। हम यहां पर स्पॉन हो चुके हैं और ये रहा हमारा जो है प्लेयर, और इसका जो मैं नाम रखने वाला हूं, मुझे सोचने दो पहले, इसका नाम मैंने क्या सोच रखा था भाई, मेरे दिमाग से ही निकल गया अभी। मैंने क्या नाम रखा था इसका भाई, यार मेरे को सच में याद भूल गया, नाम क्या रखा था मैंने यार, क्या था नाम यार। भाई मैंने तेरा नाम काफी अच्छा रखा था बट मैं भूल गया इस समय। कोई बात नहीं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब गुस्सा मत करियो यार, कर रहा है ये तो, गुस्सा कर रहा है भाई। एक मिनट रुक, मैं तेरा पहले नाम याद कर लेता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ कि तेरा नाम क्या है। ओके हाँ, मान गया भाई, देखो कितनी जल्दी मान गया। हाँ भाई याद आ गया, मैंने इसका नाम रख रखा है चुलबुल पांडे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसका नाम है चुलबुल पांडे और चुलबुल पांडे आज फिर अपनी जो है विलेज ढूंढने की तैयारी में लगने वाला है। चुलबुल कैसा है चुलबुल? चुलबुल आज काफी अच्छे मूड में है मेरे को लग रहा है इसको, क्योंकि हमने नया नाम दे दिया। और आज हमारे जो चुलबुल भाई क्या करने वाले हैं, चुलबुल भाई हमारे विलेज ढूंढने वाले हैं, तो जल्दी से चुलबुल भाई विलेज ढूंढने में लगो अभी। ठीक है, और आज देखते हैं क्या हम विलेज ढूंढ पाते हैं, कहीं पर विलेज वगैरह मिल गया तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं माइनिंग वगैरह भी चालू कर दूंगा, मतलब कि काफ़ी कुछ करने को है अभी, तो वो सब चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो वो सब चीज़ें करके फिर एक अच्छी तरह से तब ही एक गेम स्टार्ट होगी हमारी। तो अभी तो वैसे ही फ़िलहाल मतलब कि काफ़ी हमारी बैंड बच चुकी है, विलेज नहीं हमें कहीं पर भी मिल रहा, काफ़ी मुश्किल आ रखी है, कहीं पर भी कोई बंदा नहीं हमें दिख रहा, मैं अकेला ही जंगलों में भटक रहा हूँ। भाई मेरे को इतना भटकना अच्छा नहीं लगता यार, मेरे को भी आसपास लोग चाहिए। और आते ही मैंने एक शिकार भी कर लिया है, हमारे पास थोड़ा सा फूड भी होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एक फूड और एक बेड और क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस जो है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो भाई इस तरफ ये चीज़ें क्या है, तो ओके हाँ ये तो यार मैं वापस उसी जगह पर आ गया जिस जगह पे कल हम गए थे। तो मेरे को लग रहा है कि हमें यहाँ से ओपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जाना चाहिए, तो हम इस तरफ चलते हैं। ठीक है, भाग के हम चलते हैं यहाँ से दूसरी तरफ, अपना जो है वो विलेज वगैरह ढूंढने चलते हैं हम। तो ये देखो भाई नीचे पानी में मतलब कि कितनी चीज़ें हैं, ऊपर आए और इस तरफ हम चलते हैं भागते भागते। यार सच बोलूं मेरे को इस गेम में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, बट यार जब मैंने ये एक बार गेम खेली थोड़ी सी मेरे को समझ आई ना भाई, भाई कसम से बोल रहा हूं, मेरा दिल करता है कि भाई 24 घंटे तो नहीं खेल सकता, घर वालों से भी गालियां पड़ेगी और मतलब कि खेल भी नहीं पाऊंगा सीधी सी बात। तो भाई मेरा दिल करता है कि भाई जब भी मतलब कि मैं पीसी अपना देखता हूँ तो तभी मैं बैठ जाऊँ माइनक्राफ्ट खेलने के लिए। तो यार मेरे को इस गेम से ना प्यार हो गया है, मेरे को लग रहा है कि भाई उस तरफ कुछ हो सकता है। एक सेकेंड,
ओके फूल है शायद, मेरे को ऐसा लगा है कि भाई किसी के घर वगैरह है, बट वो तो फूल है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ये जो है इस समुद्र को, इस पानी को हम लोग जो है क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से। हम इन सर्च ऑफ विलेज गाइस, हमें विलेज कहीं पर भी नहीं मिला। हम काफी दिन हो गए मेरे को भटकते हुए इन जंगलों में, यार जल्दी से विलेज दिला दो, मैं भी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूं। इधर जो है सनसेट होने वाला है और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अरे शिट यार, मेरी हेल्थ कम हो गई, तो अभी मैं क्या करूं? उस वहां पर ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जा गए ना, जो हाइट के ऊपर है, वहां पे चलते हैं सबसे पहले। वहां से देखूंगा कि इधर उधर मेरे इधर इर्द गिर्द कहीं कोई विलेज वगैरह है या नहीं है, और फिर वहीं ऊपर ही मैं मतलब कि अपना बेड वगैरह लगा के वहीं पर ही सो जाऊंगा। रात हो चुकी है, सनसेट हो गया, तो मुझे बेड कहाँ पर लगाना है? मैं ट्राई करता हूँ ऊपर जाने की, अगर ऊपर जा सकते हैं तो। पर काफी मुश्किल आने वाली है, हमारे पास ब्लॉक्स, मल ब्लॉक्स, हाँ डर्ट है हमारे पास। एक कोबल स्टोन इस तरफ कर देता हूँ, अभी मैं डर्ट लगा के ऊपर जाता हूँ। अरे ओ भाई बाप रे, ये क्या हो गया? हलवा है हमारा। अरे मरते मरते बचाऊं मैं? शिट यार, शिट यार, मतलब क्या ही कर रहा हूं मैं, क्या ही कर रहा हूं सस्ते नशे, और बच गया मैं। ये क्या है? अच्छा पेड़ है व्हाइट फुट वाला, तो मैं यहाँ पर बेड लगा के अपना सो जाता हूँ। ओके यहाँ पर सुबह हो चुकी है, हमारी रात अच्छे से गुजर गई। यहाँ पर बेड उठा लेते हैं अपना, कहीं पर ना छोड़ जाऊं, जैसे हमारे हालात हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार क्या मतलब कि इतने 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 बुरे हालात मेरे, अरे भैया मैं तो क्या टूट कर रहा गया। हूं मैं? एक बार मुंह करो, मुंह करो, फिर से दोबारा मुंह करो। अरे वेरी गुड मेरे बच्चे, यार कितनी बात मानते हैं ये लोग। पक्का तेरे को मैं ना अपने फार्म में रखूंगा जिस दिन मेरा फार्म बन गया, पक्का। तो अब जो है इस चीज का मैं ध्यान रखने वाला हूं कि मैं सीधा। अरे क्या चुप गया? अरे ये क्या हो गया? अरे शिट, अच्छा ये तो कांटे हैं, इसकी आंख। यार क्या हो रहा है ये? स्वीट बेरीज है क्या? ऐसे खा सकता हूं मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। क्या पता साला कोई मतलब कि इसमें कोई पॉइजन वगैरह हो, मैं मरना नहीं चाहता भाई। तो गैस जब तक मीट बनता है हम लोग शिकार कर लेते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे। और ये ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस यू हैव, दैट्स व्हाई आई एम किलिंग। ये ग्रे कलर की है तो हम ये भी। इधर भी है, खाना खाना आ गया, खाना खाना आ गया, खाना खाना भाग रहा है, खाना भाग रहा है। मैं सारी भीड़ों को मारने वाला हूँ इधर। अरे किधर जा रही है? वेरी गुड, दिन फिर से खत्म हो चुका है और हम लोग इधर ही भटक रहे हैं भाई जंगलों में। यार क्या मतलब कि क्या बोलूं मैं ऊपर जाऊं अभी देखने के लिए, मैं काम पर खड़ा हूं। तो गाइस इधर फिर से सनसेट हो गया, वो उधर लाइट से क्या जल रही है? उधर कुछ है, कुछ तो है, उधर लाइट जल रही है, वो शायद लावा लग लावा ही है। हाँ लावा है वो तो।
तो हम लोग जो है अपना यहाँ पर बेड लगा लेते हैं फिर से और यहाँ पर सो लेते हैं अभी थोड़ा सा। अरे सुबह हो गई। तो गाइस फिर से सुबह हो चुकी है, पता नहीं कितने दिन बीत चुके हैं, कितनी रातें बीत चुकी हैं। अरे भाई फाइनली हमें एक विलेज दिख चुका है भाई। अरे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई साहब। अच्छा यहीं से कूद जाओ नीचे भाई, हमें विलेज दिख गया है एक। ओ शिट। अरे बात कर रहा भाई, हमें विलेज दिख गया है यहाँ पर। जल्दी से हम भागते हैं, जल्दी से। मेरे को अभी इधर से छलांग लगाने का कोई भी डर नहीं है, मेरे को बस विलेज देख गया। अभी मेरे को विलेज पहुंचना है जल्दी से, ऐसा भी ना हो कहीं खुशी के चक्कर में मैं अपनी जान ही गवा लूं सच में। चलो फाइनली। बट फिर भी मेरे से काफ़ी दूर है ये विलेज, मतलब काफ़ी दूर है ये विलेज, मतलब कि जल्दी से मेरे को विलेज जाना है अभी यार, कुछ भी हो जाए बस। हमारा विलेज आ गया है इधर, इधर हमारा विलेज आ चुका है। अरे ये क्या है, ये क्या है? अरे 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 ये क्या हो गया, ये इधर मतलब कि अभी अच्छा मर रहे हैं ये तो। Finally, I'm in the village. हम लोग विलेज में तो आए, बट यहाँ पर कोई भी विलेजर नहीं मेरे को दिख रहा, कोई भी विलेजर नहीं है। ये मतलब कि ऐसा क्यों है, ये नहीं मेरे को कुछ ऐसा कुछ समझ आया, मतलब कि चक्कर क्या है, यहाँ पर कोई विलेजर क्यों नहीं है। मगर हमें करना क्या पड़ेगा अभी यार, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। अभी विलेज देखा और कोई भी विलेजर नहीं है, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा ये भी नहीं पता मेरे को। एक सेकंड मैं मतलब कि देख लेता हूँ पहले। तो भैया हमारे साथ यहाँ पर काफी बड़ा प्रैंक हो चुका है माइनक्राफ्ट में। तो गाइस ये विलेज तो है बट ये साला ज़ॉम्बी विलेज है भाई, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। तो ये काफ़ी मुश्किल से मैंने जान बचा के इस कोठे ऊपर आके मैं खड़ा हो चुका हूँ। यार ये देखो इस तरफ काफ़ी ज़ॉम्बी सी ज़ॉम्बीज है, जिस तरफ देखो साले ज़ॉम्बीज काफ़ी यहाँ पर भरे पड़े हैं। यार पता नहीं कि ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, इन्होंने तो फार्मिंग भी कर रखी है भाई। ये आलू वगैरह भी खाते हैं मेरे को लग रहा है भाई। यार कैसे ज़ॉम्बीज हैं ये, तो भाई इधर हमारे यहीं पर जगह ही नहीं है, क्या करें भाई। ये पैंट पहन लूं मैं अभी, हम जो ये, अरे वाह क्या सुनहरी पैंट है हमने जो है। ये क्या था ब्रूइंग स्टैंड, जो जैसे मतलब कि वो क्लैश ऑफ क्लैन में होता था, ब्रूज स्पेल्स वगैरह होती हैं। कोई बात नहीं, इसे भी देखेंगे, पहले हम लोग विलेज देखते हैं। यार भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, जो भी है पका हुआ या नहीं पकने वाला सब कुछ उठाऊंगा मैं तो। यार मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये साले ज़ॉम्बीज मतलब के कब से ये मतलब के पोटैटो वगैरह सब्जियां खाने लग पड़े। यार ये मतलब के पक चुकी हैं, या तो इन सालों को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दिया गया है ये चीज़। चलो छोड़ो यार हमें क्या लेना देना, आई थिंक ये काफ़ी है।
ये काफी है ये चीज। तो अभी हम क्या करें, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो गाइज इधर मेरे को एक विलेजर देखा है, बट वो साला कब्जे में नहीं आ रहा हमारे। तो अंधेरा हो चुका है, हम यहाँ पर बेड लगा लिया हमने, हम यहाँ पर सोने लगे हैं अभी। सुबह हो गई, तो ये साला इधर ही घूम रहा है। इसको इसको किसी ने हार्म क्यों नहीं किया अभी तक? ये क्या हो गया, ये क्या फेंक रहे हैं मेरे ऊपर? अरे ये क्या फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, थूक सा फेंक रहे हैं ये लोग। अरे यार उसने रखवाले रख रखे हैं वह साले ने। तो गाइज हमें यहाँ पर ये विलेज तो मिला है, बट ये ज़ॉम्बीज का विलेज है भैया। मैं तो और हम ही जो है, हम जो है इसे पता क्या करने वाले हैं, हम जो है यार वो तो बाद में, मगर मैं मौत को छू के टक से वापस आ चुका हूँ। अभी अभी हम पता क्या करने वाले हैं, इस विलेज को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो गाइज विलेज में रेड पड़ चुकी है, वहां पर पिलेजर्स जो होते हैं वो आ गए थे भाई, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं भाग के अभी इस तरफ आया हूँ, तो मतलब मेरे को अभी अपना जो है हेल्थ वगैरह भी थोड़ी सी बूस्ट करनी होगी। मीट तो मेरे पास है, मैं मीट खा लेता हूँ। ये आग क्यों लगी हुई है इस तरफ, ये क्या चीज़ है? ओह शिट, इस तरफ तो ये तो लावा भी है इधर। तो हम जब तक लावा के नजारे ले लेते हैं, ठीक है? साले तू यार लकड़ियां जल रही हैं। हम अभी जो है वुड इकट्ठी कर लेते हैं अपनी, फटाफट वुड ब्लॉक लेते हैं और उस विलेजर को देखते हैं। शायद वो उसको मार दिया होगा ना उन लोगों ने, मेरे को लग रहा है उसको मार दिया होगा। बट चलो कोई बात नहीं, हम जो ये विलेज है, इस विलेज को हम लोग अपना, इस विलेज के ऊपर पूरा कब्जा जमाने वाले हैं अभी। इस ये टोटली हमारा जो है विलेज, ये हमारा विलेज होने वाला है और हम इस विलेज को एक अच्छा सा प्यारा सा नाम भी देंगे। शायद मैं इस विलेज को नाम हेवन ही दे दूँ। और सबसे पहले जो है हम अपना अच्छा सा एक बढ़िया सा घर बना लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी वुड वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं और थोड़ी सी रिसोर्सेज वगैरह भी इकट्ठे कर लेते हैं। तो गाइस लकड़ियां मैंने थोड़ी सी इकट्ठी की हैं, तो अभी हम सबसे पहले जो है अपना बेड रख के यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं, ठीक है? अगर हमारी जान को खतरा हो, मरवर गए तो हम वापस यहीं आएंगे। तो अभी हमें बनानी है एक्स, तो क्या चाहिए हमें, टेबल चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल इधर रखते हैं। कौन सी बनाई, स्टोन की? हाँ स्टोन वाली बना लेते हैं, ये हमारी आ गई एक्स। तो जो हमने वुड यहाँ पर इकट्ठी कर रही है, तो उसके हम जो है पहले ओक प्लैंक्स बना लेते हैं, ठीक है? इतनी बन पाएंगी, तो ये हमने सारी की सारी इधर रख दी। और ये इधर रख ली, ये इकट्ठी कर लेते हैं हम। तो अभी हम बनाने वाले हैं चेस्ट, बनाने वाले हैं हम। तो गाइज हमने चेस्ट बना लिए, ये इधर चेस्ट रखी। तो यहाँ पर हम जो है अपना सामान रखने वाले हैं, फर्नेस जो है अपना, फर्नेस बाहर रख लेते हैं, इधर ही रख लेते हैं फर्नेस भी, क्योंकि खाना बनाना पड़ेगा, काम आएगा। तो अंधेरा हो गया है इधर, सनसेट हो गया है, तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, सुबह मिलते हैं। तो गाइज अभी जो है हम अपनी जो रॉ आयरन है इसे
हम मेल्ट करने वाले हैं, इसे इधर रखते हैं। ये देखो भाई काफ़ी चीज़ें हमारी अनलॉक होगी, कोल को भी इधर रख लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल में। हमें क्या रखना है, एक आयरन रख ली, तो हमें बनाना है फ्लिंट एंड स्टील, और हमें क्या चाहिए, फ्लिंट चाहिए। तो अभी हम सीधा चलते हैं विलेज की तरफ, तो वहाँ पर देखते हैं क्या पिलेजर्स चले गए वहाँ या वहाँ से, या हमें फाइट लेनी होगी उनसे, देखते हैं क्या होगा। तो अभी जो है मैं विलेज को मतलब कि अपने तरीके से थोड़ा सा अपना बनाने वाला हूँ, और फिर बाद में देखेंगे कि विलेजर्स वगैरह हम कहीं से ढूंढ के ले आएंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिलेजर्स वगैरह यहाँ से चले गए हैं। तो गैस बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म वगैरह आ रहा है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा इधर कहीं पर किसी सर्वर में हमें छुपना पड़ेगा, कहीं हम बेड वगैरह देख लें। बारिश काफ़ी हो रही है, मैं भी घर के अंदर ही चला जाता हूँ, अभी रात हो चुकी है, हम सो लेते हैं थोड़ा सा। सो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है, इधर मॉर्निंग हो चुकी है, ये विलेजर साला इधर ही घूम रहा है, मेरे को इस चीज इस बंदे का नहीं समझ आ रहा भाई क्या कर रहा है। हो तो मतलब के करना क्या चाहता है ये मेरे को ये चीज बता दे बस एक बार। मेरे को ये बता तू करना चाहता क्या है बस। हाँ इधर ही कर। हो बस मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि भाई तू कब मेरे ऐसे उड़क के आए। तो अभी भाई तू यहीं पर रहेगा 4-5 दिन, ठीक है, रह इधर ही। तो अभी हम थोड़ा सा जो है मतलब इस विलेज का सुधार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये जो है सफाई वगैरह हम करनी शुरू कर देते हैं। और ये जो जाले से हैं ये भी घरों से उतारने हैं हमें। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं जो मेरा सामान वो विलेज के बाहर पड़ा है वो सारा उठा के इधर गांव में शिफ्ट कर लूं एक। तो अपना जो है वो सामान उठा के लाते हैं पहले, मेरे को ये अगर ठीक लग रहा है। बेड तो है इधर, हम सबसे पहले साला डबल दो बेड हैं इधर, तो तीन बेड हैं साले, चार बेड हैं इधर। ओ भाई साहब कितना खाना मिला है मेरे को, हमारी तो जिंदगी बन गई, हम 3-4 दिन इसी खाने से अब अपना गुजारा करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसी में अपना सामान शिफ्ट कर दूं क्या। हाँ तो इसी में हम जो है ये हमारी ब्रेड है, ये हमारे आलू, चल भाई क्या बात है भाई, ये तो मजा आ गया। तो ये जो चेस्ट हमारे पास है इसे भी हम इधर ही रख देते हैं, ये तो बड़ा चेस्ट हो गया। तो चलो अब नीचे चलते हैं पहले, और मेरे को लग रहा है अंधेरा हो रहा है ना, अपना क्राफ्टिंग टेबल इधर रखते हैं और अभी हम इसमें करते हैं इन्वेंशन। तो अभी हम डोर बनाने वाले हैं, तो अभी हम ओक प्लैंक्स का दरवाजा बनाने वाले हैं। तो ये हमारा बन गया डोर, तो ये करते हैं बंद, ये तोड़ के हम जो है इधर डोर लगा देते हैं, ठीक है अभी। और भाई इसी के साथ सुबह भी हो चुकी है, थोड़ा सा खाना खाते हैं पहले, और खाना पीना हो गया अपना। तो ये आ गई हमारी सॉड, ऑडियो मेमोरी बन चुकी है, स्टिक्स हम इधर रख लेते हैं। तो अभी हम पहले जालों का काम निपटाएं, ये डोर हमारे पास दो कैसे आ गए, अभी हम इन जालों का काम खत्म करें। यहाँ पर भी देखें इसमें क्या है अंदर, वाओ
इसमें एमराल्ड नहीं है, हमें एमराल्ड। हम तो काफी माला माल हो रहे हैं। बस भाई भगवान की दया से हम ऐसे अमीर हो जाएं। तो ऐसा करते हैं, मतलब कि सबसे पहले अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं थोड़ी सी जितने भी हम कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं ना इस घर इस गांव की वो हम बाद में छानबीन करेंगे क्या क्या चीज़ें हम मतलब कि यहाँ से। यार मैं तो फिर नीचे गिर गया, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हम हमें यहाँ से मिलती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अबैंडन विलेज है। हम स्टोन रख लेते हैं और थोड़ी सी वुड वगैरह रख लेते हैं, और ठीक है अभी इससे जो है मतलब कि हम अपने घर की जो है मरम्मत वगैरह करने वाले हैं। ऊपर कर देते हैं और ये इधर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं एक 2 hours later। तो गाइज इसी के साथ हम लोग जो है अपनी ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और जो बाकी बचा खुचा काम है वो मैं थोड़ा सा निपटा लूँगा ऑफलाइन, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।